अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ शहजाद शकील। आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम बैक करता हूँ दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आप अपनी खैरियत से होंगे। हमारी वीडियोस देखी होंगी अपने दोस्तों, अगर नहीं देखी तो आप विज़िट कर सकते हैं। नाइन्थ के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, नाइन्थ टेंथ और एलेवंथ के लिए। और इसके अलावा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, कौन से प्रूफ सही हैं गलत हैं ये भी क्वेश्चन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में बने हुए हैं दोस्तों। आज हम कर रहे हैं नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.4 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे हम। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बुक पढ़ा रहा हूँ वो मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप है, इसको इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम में पढ़ाते हैं। ये पंजाब में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक है, इसके तमाम क्वेश्चन जो है पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पढ़ाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपके पास एक्सरसाइज 1.4 है, ये पार्ट 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले क्वेश्चन 1 से 4 तक मैंने पार्ट 1 में किए हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपके पास मौजूद है। क्लास 9 है दोस्तों। अब इसमें आपके पास वो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए इज़ इक्वल टू, आप अपने पास बुक रख लें दोस्तों, -1 3 2 0, बी इज़ इक्वल टू 1 2 -3 -5, और सी आपके पास है 2 1 1 3। ये उसने दे दिए और वो कह रहा है कि वेरीफाई करें, आपके पास इसके 4 क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट हैं, तो मैं करता हूँ थर्ड पार्ट जिसमें सब आ जाते हैं। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमने वेरीफाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू बी प्लस सी है आपके पास, आप ए को वैसे रखें, बी लिखें दोस्तों, बी का सॉल्व किया 1 2 -3 -5, प्लस सी आपके पास क्या है 2 1 1 3। आप चाहें तो दोस्तों इसको डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस 2, हर मेंबर अपने वाले मेंबर के साथ प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 -3 प्लस 1 -5 प्लस 3। अब आप ए वाले भी लिख देंगे साथ में, मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास -1 3 2 0, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 -2 -2। अब ये है मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई में पहले आपने क्या देखना होता है कि ये इसके पहले मेंबर के कॉलम्स और दूसरे के रो बराबर हैं कि नहीं है, इसके 2 कॉलम हैं इसके 2 रो हैं तो बराबर हैं। अब मल्टीप्लाई के रूल क्या है, इसका रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो में क्या है 1 -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2, ये हो गया -1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 मल्टीप्लाई बाई -2, ये इसके साथ हो गया दोस्तों। अब इसकी बारी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस दरमियान में आता है 0 मल्टीप्लाई बाई -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ये आ गया -3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6, ये -3 प्लस माइनस माइनस -6, ये आ जाएगा 6 प्लस 0, से मल्टीप्लाई करें तो 0 6 प्लस 0, आपके पास फाइनल क्या बन जाएगा -9 -9 6 6, ये आपके पास आ गया ए इंटू बी प्लस सी, ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका राइट हैंड साइड क्या जो है क्या है दोस्तों, ए प्लस ए बी प्लस ए सी, तो राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, ए बी प्लस ए सी। अब इसमें अपने दोस्तों अलग अलग से सॉल्व करना है, ए आपके पास है -1 3 2 0, और बी आपके पास क्या है 1 2 -3 -5,
प्लस करना है, फिर ए लिखेंगे, ए कालम की जगह ए लिखेंगे, ए क्या है आपके पास, -1, 3, 2, 0, और फिर लिखेंगे सी कालम, तो सी क्या है आपके पास, 2, 1, 1, 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है आपको पता है, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3, इसके साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -5। ये अब इसकी बारी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -5। अब इनकी बारी है दोस्तों, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 2 की बारी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देखें इस मेंबर को किया है तो अब यहाँ पर आया है 0 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर इसको किया यहाँ पर इसके साथ, तो फिर यहाँ पर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास फाइनल आएगा, -1 -9 आ जाता है, -2 आ जाता है, माइनस प्लस माइनस -15, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपके पास 2, ये 0 आ जाता है, 0 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ तो 0 आता है, 4, 0 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 0 आता है, यहाँ पर -2 प्लस 3 आ जाएगा, -1 प्लस 9 आ जाएगा, 4 प्लस 0 आ जाएगा, 2 प्लस 0 आ जाएगा, फाइनल बनता है -10, यहाँ पर -17, यहाँ क्या आएगा 2, ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 8, यहाँ पर 4, 2। अब दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, -10 प्लस 1 -17 प्लस 8, 2 प्लस 4, 4 प्लस 2, आपके पास फाइनल क्या बन जाएगा, -10 से +1 बन गया तो -9, -9, 6, 6, ये है आपके पास AB + AC, तो जो कि आपके पास राइट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस लेस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, इसके बाकी क्वेश्चन इसी तरह से हैं, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से प्रूव करने हैं आपने, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सरसाइज 1.4 है, 9th क्लास की क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दो पार्ट हैं अपने वेरीफाई करने हैं, तो हमारे पास वो कह रहा है ए इज इक्वल टू आपके पास है -1, 3, 2, 0, बी आपके पास है 1, 2, -3, -5, और सी आपके पास दिया हुआ है -2, 6, 3, -9। हमें वो दो पार्ट दिया हुआ है, मैं एक करूँगा दोस्तों, दूसरा आप खुद कर लेना, वेरीफाई दोनों सेम तरह से है, ए इन टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल इन टू ए ट्रांसपोज, हमने वेरीफाई करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है वो सी के लिहाज से है, तो आप वो खुद कर लेंगे दोस्तों, हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास a + b, a × b का ट्रांसपोज, अब देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो पहले ए बी मालूम करें फिर ट्रांसपोज लें, तो अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके ऊपर ऊपर ट्रांसपोज लिख दें तो हो जाएगा। अब देखें हम करते हैं, ए बी क्या है आपके पास -1, 3, 2, 0, और b है 1, 2, -3, -5, इसका ट्रांसपोज, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -3, अब -1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा,
3 मल्टीप्लाई बाई -5 आ जाएगा। यहाँ क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -5, ये हो जाएगा। आप इसके ऊपर टी लिखते आएंगे, ट्रांसपोज देंगे तो वो टी ख़त्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, ये -2 प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, ये 2, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 4 प्लस 0, ट्रांसपोज वैसे का वैसे लिखेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा क्या आपके पास, माइनस का 10 -17 2 4, ये है आपके पास दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है दोस्तों, बी ट्रांसपोज इन टू ए ट्रांसपोज, ये है आपके पास राइट हैंड साइड। तो बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज है बी के ऊपर लिखें बी 2 -3 -5 ट्रांसपोज, इन टू ए ट्रांसपोज क्या है, -1 3 2 0 ए ट्रांसपोज। इस तरह से सिंपल ही हो जाएगा दोस्तों, आपके पास टाइम बच जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता अलहदा अलहदा करें, तो मैं इसलिए से साथ में करता जाता हूँ। तो ट्रांसपोज, सॉरी इसका एक ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या होता है दोस्तों, आपके पास पता है ट्रांसपोज में क्या होगा, आप इन दोनों को वैसे रहने दें और इन दोनों को इंटरचेंज कर दें -17 और 2, तो ये आपके पास ट्रांसपोज इसका ले जाएंगे, टी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फाइनल है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को इसके बराबर प्रूव करना है। ट्रांसपोज ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को वैसे रखेंगे, स्क्वेयर में आपको पता है स्क्वेयर मैट्रिक्स में क्या होता है, इन दोनों को वैसे रखते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो -3 यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका ट्रांसपोज लें तो -1 0 ये 3 2 आ जाएगा। ट्रांसपोज ले लिया दोस्तों, अब मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 3 इसके साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 0, ये बंद, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -5 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 0, क्या आपके पास आ जाएगा, -1 प्लस माइनस -9 यहाँ आ जाता है, 2 प्लस माइनस 0 यहाँ आ जाएगा, -2 प्लस माइनस -15 ये है 2 प्लस 0 2 यहाँ जा आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो ये 4 हो जाएगा दोस्तों। आपके पास बनता है फाइनल -10 2 -17 एंड 4, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। आज की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन करेंगे हम। आपको हमारे साथ रहिए दोस्तों, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। 9th के पूरे क्वेश्चन किए जाएंगे इंशाल्लाह, पूरे कोर्स के लिहाज से कराया जाएगा, और 10th के भी हैं आपके पास, 11th के भी हैं, इसके अलावा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें आप दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेथड पसंद है तो शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज़।